हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं JSSC की तरफ से जो CGL की वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में, यानी झारखंड स्टेट झारखंड की तरफ से SSC CGL की वैकेंसी निकाली गई है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो जो है हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और आपका एग्जाम पैटर्न सारी चीज़ें देखेंगे। तीनों पेपर के बारे में बात करेंगे, आपका प्री, मेंस और जो आपका थर्ड पेपर होता है उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक ओवरव्यू के बारे में। तो जो है JSSC CGL की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है, यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसके आगे हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो JSSC इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और एग्ज़ाम कंडक्ट जो है JSSC ही कराएगा। इसके आगे हम बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो इसमें पोस्ट नेम है आपके असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 956 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज निकाली गई हैं। और बात करें ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट, तो जो है आपके 15 जनवरी 2022 से आपके ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसके आगे हम बात करें लास्ट डेट के बारे में, तो 14 फरवरी 2022 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब जो है हम कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में, तो असिस्टेंट ब्रांच की इसमें 163 वैकेंसी हैं, यानी 163 वैकेंसी निकाली गई हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 129 वैकेंसी हैं और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की 100 वैकेंसी हैं और प्लानिंग असिस्टेंट की 3 वैकेंसी रखी गई हैं। SC में बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की 51 पोस्ट हैं और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 32 पोस्ट हैं और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर की 22 पोस्ट हैं। प्लानिंग असिस्टेंट की कोई भी इसमें पोस्ट नहीं रखी गई है SC के लिए। ST की बात करें तो 48 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट के लिए 84 वैकेंसी हैं और ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के लिए 67 वैकेंसी हैं और एक वैकेंसी आपकी प्लानिंग असिस्टेंट के लिए इसमें रखी गई है। अब बात करते हैं EWS के बारे में, तो EWS की जो है 38 वैकेंसीज हैं आपकी प्लानिंग असिस्टेंट असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर की। और बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट के बारे में, तो इसकी 32 वैकेंसी हैं और प्लानिंग असिस्टेंट की इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है और इसमें जो है 25 वैकेंसी सप्लाई ऑफिसर की रखी गई हैं। इसके आगे जो है आप ये चार्ट पूरा चेक कर लीजिएगा, आप जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी 956 रखी गई हैं, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हैं, तो अगर जो आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। इसके आगे हम बात करें जो है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो एवरी एप्लीकेंट आर एक्सपेक्टेड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस, तो उसके लिए 1000 रुपये रखी गई है। और बात करते हैं SC ST के लिए, तो 250 रुपये SC ST के लिए फ़ीस रखी गई है, यानी आपकी जनरल OBC के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसके आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी फील्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर जो आपने ग्रेजुएट डिग्री की हुई है, यानी आपने BA, BSc, BCom या आपने BTech जो भी कुछ ग्रेजुएशन में किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करें एज लिमिट के बारे में, तो इसमें जो है मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स रखी गई है और इसमें जो है मैक्सिमम आपकी जो है 30 तक रहेगी। इसके आगे हम बात करें जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो एज लिमिट के बारे में ही बात करते हैं, तो जनरल के लिए मिनिमम एज 21 साल रहेगी, सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम एज 21 साल है और 35 ईयर्स तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल के लिए हैं अगर जो आप जनरल में आते हैं। और EBC एंड BC के लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 21 से 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए बात करें जनरल OBC EBC के लिए तो 38 तक अप्लाई कर सकते हैं। SC ST मेल एंड फीमेल की बात करें तो 21 से 40 साल के एज क्राइटेरिया में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर जो आप इस एज क्राइटेरिया में बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं जो है हमारे प्री के बारे में, तो आपका जो प्री का एग्ज़ाम रहेगा इसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो लैंग्वेज का रहेगा आपका रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज रहेगा और जनरल नॉलेज का रहेगा। तो इसमें जो है आपका बात करें मार्क्स के बारे में, तो 360 नंबर का आपका लैंग्वेज का पेपर रहेगा जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज के लिए 300 नंबर दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है।
450 की आपकी जनरल नॉलेज रहेगी और 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यानी टोटल नंबर आप क्वेश्चंस की बात करें तो 370 रहेंगे और 1100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। इसके आगे हम बात करते हैं हमारे टीयर सेकेंड के बारे में, सॉरी टीयर फर्स्ट, जो लैंग्वेज बेस्ड होता है उसके बारे में बात करें तो इसमें जो 360 नंबर का आपका पेपर है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसमें आपके ईच सेक्शन 30 क्वेश्चंस यानी आपके एक सेक्शन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे एक क्वेश्चन सही करने पर। और इसमें जो है व्हाइल 1 मार्क इज डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी आपका जो है 1 नंबर कट जाएगा अगर जो आप गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो। इसके आगे हम बात करें जो है लैंग्वेज के पेपर में, तो इसमें जो है इंग्लिश और हिंदी 2 पेपर आपके रहेंगे जिसमें कॉम्प्रीहेंशन ग्रामर पूछे जाएंगे 90-90 नंबर के, और हिंदी में भी कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर ही पूछी जाएगी यानी व्याकरण आपकी पूछी जाएगी तो इसमें भी 90-90 नंबर की रहने वाली है। अब बात करते हैं हम जो है पेपर सेकेंड के बारे में, तो रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो इसमें जो है 100 क्वेश्चंस रहते हैं और आपके 300 नंबर का पेपर रहता है, तो इसमें आपके कई अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो आपको चूज करना होता है। आप इसमें से कोई भी जो भी आपका सब्जेक्ट मनपसंद है या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं आप उसका जो है चूज कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संथाली, मुंदरी, उड़िया, संस्कृत, तो जो है सबकी अलग अलग लैंग्वेज हैं तो आप इसमें जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं, तो या जो है इसमें आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करके आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं हमारे मेंस पेपर 3rd के बारे में, तो जिसमें जनरल नॉलेज रहती है आपकी, तो इसमें आपके 6 सेक्शंस रहते हैं और 450 नंबर का आपका पेपर रहता है, तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं जनरल स्टडीज़ के बारे में, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ में रहते हैं आपके 30-90 नंबर का पेपर रहता है, और जनरल साइंस में बात करें तो 20 क्वेश्चंस रहते हैं 60 नंबर के, और जनरल मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चंस रहते हैं 60 नंबर के, मेंटल एबिलिटी की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपके 60 नंबर के रहते हैं। सॉरी, बात करें नॉलेज अबाउट झारखंड, यानी आपको झारखंड स्टेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए 40 क्वेश्चन रखे जाते हैं 120 नंबर के, और कंप्यूटर साइंस से 20 क्वेश्चन रखे जाते हैं 60 नंबर के, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज़ में रहेंगे 150। तो हमने जो है तीनों पेपर के बारे में बात कर ली है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा डिस्कस कर लिया है, तो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट, कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। थैंक यू।